अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारी लड़की की शादी थी ढाई रखे ने उन्होंने सिफा की, तो आज इसकी शादी है, तो ये मेरी तरफ से मैं इसको हार और कांच का दे रही है ना। और मैंने कल वीडियो बना के डाली थी कि उसकी शादी में सब लोग आना, तो प्लीज़ है ना। वो कोई हमारे रिश्तेदार तो है नहीं, हमारे कोख से पैदा तो नहीं हुई, लेकिन बोलते ना अल्लाह ने वो हमको गॉड गिफ्ट दे दिए है ना। जो हम लोग खुशी खुशी उसकी शादी करके दे रहे सब लोग मिल के, मई लाले और जारू आपा और जारू आपा की पूरी टीम, कायनात ओल्ड एज हाउस की टीम, हाँ सब मिल के सब उसको माशाल्लाह अच्छा खासा दहेज भी दिए, अच्छे से उसकी शादी भी करा रहे। जारू आपा लोग ने सबने मिल के हॉल का दहेज का सामान करे, मैं ये थोड़ा बहुत टांगी ना जो मेरे से हुआ मैं वो करी, डाले ने सब खाने का अरेंजमेंट करे, ऐसा सब मिल के कर लिया। अल्लाह का वो नसीब, उस बच्चे के नसीब में जितना दिखा था अल्लाह ने उसको उतना दिया। लड़के वाले लोग ने भी अच्छा खासा उसको सोना लेके आए माशाल्लाह। तो मेरे फैमिली और मेरे फ्रेंड लोग, मेरी फैमिली सब लोग, हाँ फुप्पी फुप्पी के बच्चे, खाला खाला के बच्चे, सब लोग शादी में ज़रूर आओ, क्योंकि देखो अपने घर की शादी समझ के आओ, और ऐसे में आना बहुत ज़रूरी है। हाँ और क्या, मेरे फ्रेंड लोग सब लोग आओ, जो जो मेरे को जानते पहचानते उस बच्ची की शादी में आप लोग ज़रूर आओ, ठीक है। तो आपको दिल से दुआ मिलेगी उसकी है ना, और ऐसे टाइम पर तो बोलते ना सबके लिए खड़े ले जाना चाहिए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, तो आप सब कैसे, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो देख सकते हैं आप, और वीडियो को पूरा देखें तो आपको समझ में आएगा कि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं। तो ये लड़की जब पहुंची थी तो हम लोग भी इनका वीडियो देखे थे, और ये अपने घर से जो बाहर गई थी तो वो डायरेक्टली मुंबई उतर के ऑटो वालों को बोलती है कि हमें कुलसुम नायक का जो ओल्ड एज होम है उसमें जाना है। तो वहाँ जब गई तो इसे अच्छा से रखा गया, और इसके कुछ दिन छिपाई थी इन लोग, क्योंकि इन लोगों इसका डरी हुई थी, मतलब थोड़ा लड़की जो है डरी हुई थी, और नया जगह है भाई, माहौल ऐसा है तो घबराहट हो जाता है। पर ये लोग जो ग्रुप है ना कुलसुम नायक का और पठान लोग का, तो ये लोग ग्रुप बहुत मतलब इमोशनल है, और हर मतलब लड़का हो लड़की हो सबसे मोहब्बत एक समान होता है इन लोगों का। तो इसलिए इनका वीडियो भी बना के डाला, शायद कोई फैमिली में नहीं था तो कोई भी खबर नहीं आया, तो फिर लास्ट में। और देख सकते हैं आप कितने तकदीर है माशाल्लाह से कि सब कोई दे लेकर के, ऐसे तो कोई मतलब किसी अपने का भी साथ ना देता हो तो, पर इन्होंने हर कोई मतलब सारे ग्रुप की लेडीज़ इन लोगों ने सब कोई साथ किया। और शादी आप देख सकते होंगे कि कितनी खूबसूरती से शादी ब्याह हुआ है, तो मुझे तो बहुत मतलब माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आदमी जो जैसा भी जो भी कहे कि कुछ भी आदमी हर किसी के बारे में, अभी अच्छे इंसान के बारे में नुक्स निकलता है, उन पर भी इल्ज़ाम आता है, तो कुलसुम नायक और पठान उठान क्या है, कुछ भी नहीं है। पर हमारे तरफ से तो बहुत नेक है ये लोग कि हर समय में हर जगह ये लोग खड़े रहते हैं गरीब के साथ, और ये बहुत बड़ी बात है। अगर कोई मजबूर है उसके साथ अगर आप कर रहे हो कुछ अच्छा काम, तो ये इससे बढ़ के कोई मतलब नेकी नहीं है। और बहुत अच्छी तरह से, जैसे कि आप ओल्ड एज होम में देख सकते हो, हर किसी को गला लगाना, हर किसी को, यहाँ तो आदमी अच्छे अच्छे हल्का बीमारी सुन लेता तो आदमी छूत मारता, पर ये लोग हर किसी से गला लग करके हाथ मिला करके और उसके पास बैठ करके बातें करते हैं, तो ये सब बहुत अच्छी है। और कुछ लोगों को आप वीडियो देख सकते होंगे जैसे कि सिर्फ पैसा के लिए, अपना लिए वीडियो बनाना, अपने आगे बढ़ने के लिए वीडियो बनाना, ये सब नहीं पसंद। अगर आपको अल्लाह पाक दे रहा है कुछ पैसा, अल्लाह पाक किसी गरीब के तकदीर से या किसी के दुआ के वजह से आप आगे बढ़ रहे हो, तो अगला को भी देखो और अगले को भी कुछ मदद करो, गरीब को ही मदद करो कि उसके मदद से आपको और भी दुआ मिलेगा और आप और भी आगे बढ़ोगे। तो मेरा तो दिल से यही दुआ है, अल्लाह इन लोगों को अच्छा रखे कि इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, अल्लाह इन लोगों को तौफीक अदा फरमाए कि इसी तरह ईमानदारी काम करते रहें। और बस बात बाकी आज का वीडियो यहीं तक, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए प्लीज़। लास्ट में आप बोल रहे हैं आज बहुत दिन बाद, सब्सक्राइब भी चैनल को कर दीजिएगा, क्योंकि आप सबका ही सपोर्ट है जो हम ऐसे ऐसे वीडियो लाते हैं। तो चलिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।